सऊदी अरब में शराब की पहली दुकान खुलने जा रही है, तो क्या अब सऊदी अरब की इस्लामिक पहचान कमजोर पड़ने वाली है? जी, 70 साल में यह पहली बार होगा जब सऊदी अरब में शराब बिकेगी। रियाद में इस शराब की दुकान के ग्राहक सीमित डिप्लोमेटिक स्टाफ होंगे। ये डिप्लोमेटिक स्टाफ सालों से सीलबंद आधिकारिक पैकेज आयात करते रहे हैं और इसे डिप्लोमेटिक पाउच कहा जाता है। सऊदी के अधिकारियों का कहना है कि ये दुकान शराब के अवैध व्यापार को रोकेगी। सऊदी अरब में शराब पर प्रतिबंध 1952 से है, तब किंग अब्दुल अजीज के बेटे ने शराब के नशे में एक ब्रिटिश डिप्लोमेट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हालांकि दुकान को लेकर कुछ सीमाएं होंगी। शराब की तलब वाले राजनयिकों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिर सरकार से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। शराब के स्टोर में 21 साल से कम उम्र के लोगों को आने की इजाजत नहीं होगी और दुकान के भीतर हमेशा उचित पोशाक की जरूरत होगी। शराब पीने वाले किसी और से शराब नहीं मंगवा सकते, जैसे अपने ड्राइवर से शराब नहीं मंगवा सकते। बयान के मुताबिक शराब खरीदने की मासिक सीमा होगी। हालांकि AFP ने जो दस्तावेज देखे हैं उसके मुताबिक ये नियम सख्त नहीं होंगे। 38 साल के मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं। क्राउन प्रिंस पिछले 7 साल से मुल्क का नेतृत्व कर रहे हैं। क्राउन प्रिंस ने अपने नेतृत्व में सऊदी अरब में कई ऐसे फैसले लिए जिनकी तारीफ हुई और कहा गया कि MBS सऊदी अरब को एक इस्लामिक रूढ़िवादी मुल्क से आधुनिक बना रहे हैं। साल 2016 में क्राउन प्रिंस ने विजन 2030 से पर्दा हटाया था। इस विजन के अंतर्गत कई तरह के सुधार शुरू किए गए। उन्होंने सऊदी को अधिक खुला बनाया। क्राउन प्रिंस ने सिनेमा और कंसर्ट से पाबंदी हटाई, यहाँ तक कि हिप हॉप कलाकारों को भी बुलाया। महिलाओं को गाड़ी चलाने का अधिकार मिला और उनके लिबास को लेकर उदारता दिखाई गई। क्राउन प्रिंस ने प्रतिक्रियावादी मौलवियों की भूमिका सीमित की, धार्मिक पुलिस खत्म किया और इसके साथ ही MBS ने इजराइल से संबंध ठीक करने की गुंजाइश भी तलाशी। अमेरिकी पत्रिका द अटलांटिक ने सऊदी क्राउन प्रिंस से 2022 में सवाल पूछा था कि क्या वो सऊदी अरब को इतना आधुनिक बनाएंगे कि उनकी इस्लामिक पहचान कमजोर पड़ जाएगी। इस सवाल के जवाब में क्राउन प्रिंस ने कहा था, दुनिया में हर देश की स्थापना अलग अलग विचारों और मूल्यों के आधार पर हुई है। मिसाल के तौर पर अमेरिका लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मुक्त अर्थव्यवस्था जैसे मूल्यों के आधार पर बना है। लोग इन्हीं मूल्यों के आधार पर एकजुट रहते हैं, लेकिन क्या सभी लोकतंत्र अच्छे हैं? क्या सभी लोकतंत्र ठीक से काम कर रहे हैं? निश्चित तौर पर नहीं।